राम राम, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपको अपना आड़ू का पेड़ दिखाने आया हूँ कि उसमें कितने सारे फल लगे हुए हैं और अब पकने स्टार्ट हो गए। हम कुछ दिन पहले आड़ू की खेती के ऊपर वीडियो बनाए थे और आपको बताया था कि कौन कौन सी वैरायटी गर्म क्षेत्र के लिए उपयुक्त हैं और अच्छा उत्पादन दे सकती हैं। ये जो पेड़ है ये सहारनपुर प्रभात का है और आज डेट हो चुकी है 24 अप्रैल 2022 और अब हमारे जो आड़ू हैं पीच काफ़ी अच्छे पकने लगे हैं, हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। कुछ हम आपको हार्वेस्टिंग करके दिखाएंगे और दिखाएंगे कि ये जो 3 साल का पेड़ है उसमें कितने खूबसूरत आड़ू लगे हुए हैं और किस क्वालिटी के फ्रूट हैं, हम आपको तोड़कर दिखाएंगे। यूट्यूबर्स को दिखाता हूँ कि जो हमारे आड़ू हैं वो कितने बेहतरीन और कितने टेस्टी हैं। ये देखिए बीच में कुछ फल लगे हुए हैं, बिल्कुल पके हुए, तो हम कोशिश करते हैं तोड़ने की। ये देखिए कितने खूबसूरत फल जो है लगे हुए हैं। और आप ये देखिए पूरा पेड़ जो है फलों से भरा हुआ है। तो अगर आपको गर्म क्षेत्र में जहां तापमान 45 डिग्री तक चला जाता है आपको आड़ू लगाना है, पीच लगाने, तो आप सहारनपुर प्रभात और साने पंजाब, कैलिफोर्निया, फ्लोरिबंडा सन और पंथ पीच वन वेरा इंडिया चुन सकते। और ये देखिए तमन्ना ने कितने खूबसूरत फल जो हैं तोड़े हैं, दिखाइए तमन्ना आपके पास। ओहो, ये तो पैरट ने खाया हुआ है और बाकी के अच्छे हैं, काफ़ी बड़े साइज के, रेड कलर। और ये देखिए दूसरे भी हैंड में। तो तमन्ना आपको अब ये फल खाने हैं, चलो। तो देखिए दोस्तों इस पेड़ पे फल जो हैं पकना स्टार्ट हो गए हैं और लगभग 10 दिन में सारे फल जो हैं वो पक कर तैयार हो जाएंगे। मैं आपको यही दिखाना आया था कि ये वैरायटी काफ़ी अच्छी वैरायटी है, सहारनपुर प्रभात और साने पंजाब दोनों वैरायटियाँ काफ़ी अच्छी वैरायटी हैं गर्म क्षेत्र के लिए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।